हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले ऑफ WWE 2K24 का न्यू गेम प्ले के अंदर आज होने वाला है स्पेशल रेफरी मैच, रोमन स्ट्रावलचेफ वर्सेस कोडी रोड्स, और रेफरी बने हैं यहाँ पे द रॉक। तो देखना होगा क्या ही खतरनाक, किस टीम को ज्यादा सपोर्ट करता है द रॉक इस मैच में। मेरे को तो लगता है भाई साहब कोडी रोड्स को देगा, क्योंकि रोमन से थोड़ा सा खफा है। तो देखते हैं, लेट्स सी। मैच जब तक चालू हो रहा है वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार सारा वीडियो मिस ना कर पाओ। और यहाँ पे रोमन रेंस ट्रैवलशेफ और कोडी रोड्स फुल ऑन रेडी। भाई साहब द रॉक रेफरी मैच का अटायर में कैसा ही दिख रहा है, और यहाँ पे आते ही रोमन रेंस ट्रैवलशेफ ने अपना पहला मूव सीधा रनिंग्स पे लगा दिया है कोडी रोड्स को। आते ही काफी खतरनाक शुरुआत करते हुए यहाँ पे रोमन रेंस ट्रैवलशेफ आते ही पहले ही रनिंग स्पेयर से शुरुआत कर दिया भाई साहब। ये तो बहुत ही खतरनाक रोमन स्ट्रावलचेफ को हम लोग को ये चीज दिखने मिला। लगता है दूसरा रनिंग स्पेयर के लिए जा रहा था, पर यहाँ पे कोडी रोड्स हो चुका है ज्यादा से ज्यादा गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला है ट्रिपल क्रॉस रोड। भाई साहब सिग्नेचर मूव का यूज हुआ यहाँ पे कोडी रोड्स का, यहाँ पे ट्रिपल फिनिशर मूव लगते हुए यहाँ पे कोडी रोड्स फुल ऑन फॉर्म में। भाई साहब तीन तीन फिनिशर लगा दिया था रोमन रेंस ट्रैवलशेफ का। यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रोमन रेंस ट्रैवलशेफ का अच्छा मौका है, एडवांटेज भी है कि उसके पास फिनिशर मूव भी है। कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर सही टाइम पे यूज किया था, पर अभी यहाँ पे कोडी रोड्स को अभी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ट्रैवल शेफ आ चुका है फॉर्म में। भाई साहब द रॉक यहाँ पे तो मेरे को सपोर्ट दोनों में से किसी का नहीं कर रहा है, पता नहीं एंडिंग में कुछ स्कैम कर दे या फिर कुछ हम लोग को सीन देखने मिल जाए। यहाँ पे कोडी रोड्स का वापस से तीसरा करंट कोडी रोड्स का लगते हुए यहाँ पे क्रॉस रोड। भाई साहब कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स पे क्रॉस रोड छोड़ ही नहीं रहा, मौका एक भी छोड़ रहा नहीं है। पिन आउट यहाँ पे ट्राई ऑन फुल ऑन किया हुआ कि ताकि वो मैच जीत जाए वाला, पर रोमन ट्रैवलशेफ इतना इजीली मौका देने वाला नहीं है। ट्रैवलशेफ भी अपना फिनिशर मूव का मोमेंटम बना रहा है कि उसका मोमेंटम बन जाए और रनिंग स्पेयर सीधा सीधी लग जाए, पर ट्रैवलशेफ को एक जरा भी मौका नहीं दिया जा रहा है। कोडी रोड्स यहाँ पे द रॉक रेफरी में आया, मेरे को तो लग रहा अभी तक कुछ भी किसी की तरफ भी सपोर्ट नहीं किया। ट्रैवलशेफ यहाँ पे रनिंग स्पेयर का शायद मोमेंटम बनाएगा, पर यहाँ पे रनिंग स्पेयर नहीं लग पाया। रोमन ट्रैवलशेफ फुल ऑन कोशिश कर रहा है और यहाँ पे पिन आउट का कोशिश, द रॉक यहाँ पे वापस से ट्राई करेगा पर दो पे। यहाँ पे पॉल हेमन ने कुछ किया था, अगर आप लोग नहीं देख पाए तो उसको थोड़ा सा बैक करके देखना वीडियो को, कुछ तो किया था पॉल हेमन, पता नहीं क्या ही कुछ किया था। मेरे को तो लग रहा कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहा, पर यहाँ पे रनिंग सुपरमैन पंच सीधा सीधी कोडी रोड्स को लगता है। भाई साहब कोडी रोड्स हार ही नहीं मान रहा है, दो दो फिनिशर लगा दिया रोमन ट्रैवलशेफ। अब तो पिन आउट होना चाहिए, अब तो पिन आउट होना चाहिए भाई। रनिंग स्पेयर का मोमेंटम बात है, अब रनिंग स्पेयर अब तो गया भाई कोडी रोड्स, अब तो रिकवर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी रिकवर हो गया तो भाई कोडी रोड्स को मानना पड़ेगा, तो फिर ओ भाई साहब इसमें भी रिकवरी कोडी रोड्स को भाई साहब आज मानना पड़ेगा। अमेरिकन नाइट में फुल ऑन फॉर्म में, पर यहाँ पे एक और लास्ट का लास्ट रनिंग स्पेयर पड़ेगा, और यहाँ पे द रॉक यहाँ पे पता था सपोर्ट किसको ही करेगा। यहाँ पे कोडी रोड्स को सीधा सीधी द रॉक यहाँ पे सपोर्ट करते हुए, भाई इतना टाइम थोड़ी लिया जाता है पिन आउट में, और यहाँ पे इतना लास्ट मोमेंट पे पिन आउट करा, पर फिर भी रोमन रेंस ट्रैवलशेफ का स्पेयर लगने के बाद अमेरिकन नेट में दो मिनट के लिए नहीं उठाया। द रॉक यहाँ पे ट्राई ऑन देखे लास्ट मोमेंट पे, द रॉक यहाँ पे सपोर्ट करने लगा कोडी रोड्स को, और यही चीज होने वाला है एक्चुअली में भी। और यहाँ पे कोडी रोड्स लास्ट मोमेंट पे भी सपोर्ट के भी साथ फिर भी रोमन रेंस ट्रैवलशेफ को हरा नहीं पाया, और रोमन रेंस यहाँ पे इस मैच को विन करते हुए। नेक्स्ट मैच किस में चाहिए रहेगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दिया, अपन उस पर बनाएंगे वीडियो को। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।